ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने काम को दायित्व और जिम्मेदारी दी कि काम तुम जिसके ऊपर दृष्टि डालोगे वो काम से मोहित हो जाएगा, तुम्हारे मोह पर मैं ब्रह्मा विष्णु आदि भी मोहित हुए रहेंगे। और भगवान ब्रह्मा ने कामदेव को 5 अस्त्र प्रदान कर दिए। पहला अस्त्र दिया ब्रह्मा जी ने हर्षण। बंधु ध्यान रखना, कामदेव का पहला अस्त्र है हर्षण। किसी को देख करके हर्ष हो गया तो ध्यान रखना कि काम का पहला अस्त्र आपके ऊपर चल चुका है। देख करके हर्ष होना मतलब काम की जागृति को प्रकट करना। कामदेव को दूसरा अस्त्र दिया रोचन। हर्ष होने के बाद उसमें रुचि का प्रकट हो जाना, रोचन। इसका मतलब कामदेव का दूसरा अस्त्र भी आपको प्रभावित कर चुका है। कामदेव को तीसरा अस्त्र दिया मोहन। हर्ष के बाद रोचन और रुचि होने के बाद फिर मोहन, यानी वो वस्तु पर रुचि, रुचि के साथ मोह भी हो जाएगा। मोह हम लोगों को कई बार कपड़े से हो जाता है, कई बार मोह अपने फोन से हो जाता है, अपनी गाड़ी से हो जाएगा। तो कामदेव का तीसरा अस्त्र हुआ मोहन। काम का चौथा अस्त्र हुआ शोषण। बंधु ध्यान रखना, जब किसी वस्तु से मोह हो जाएगा, व्यक्ति से मोह हो जाएगा, तो फिर वहां शोषण होना शुरू होता है। आजकल एक शब्द चलता है इमोशनल। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चलते हैं तो शादी से पहले ही आजकल सारा परिचय हो जाता है और फोन में बात चलती तो लोग बोलते हैं आप हमारे ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। ये काम का चौथा अस्त्र है इमोशनल, इमोशन। काम का ये चौथा अस्त्र हुआ इमोशन। और काम का पांचवा अस्त्र हुआ बंधु मारण। पहले हर्ष होगा, हर्ष के बाद फिर रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ते ही मोह बढ़ जाएगा, मोह बढ़ने के बाद फिर शोषण होगा। और जब व्यक्ति का शोषण हो जाएगा तो अंतोगता उसको उसमें मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। और बुरा ना मानना, मैंने तो देखा लोगों को कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में शादी कहीं कहीं हो गई तो पता चला ट्रेन के नीचे कट गया। और हमने देखा कोई कोई जाकर के नदी में कूद गया। प्रशांत, हमने देखा कई लोग जहर पी गए, कई लोग इस चक्कर में आकर के पागल हो गए। क्यों? चूंकि काम का पांचवा अस्त्र मारण है। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। काम को सिर्फ ब्रह्मा जी ने 5 अस्त्र दिए। और ब्रह्मा जी के जब 5 अस्त्र प्रदान किए काम को और कहा देखो काम, ये 5 अस्त्र जिसके ऊपर चला दोगे वो इस पर प्रभावित हो जाएगा, स्वयं त्रिदेव भी इससे बच पाएंगे, ऐसा ऐसा संभव नहीं होगा। इसी 5 अस्त्र से तुम सृष्टि पर वास करोगे, भ्रमण करोगे। इतना कह करके श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और कामदेव ने सर्वप्रथम अपने अस्त्रों को ब्रह्मा जी के ऊपर ही ट्रायल के रूप में कहा जाए चला दिया। कामदेव ने सोचा पिताजी ने अस्त्र दिए हैं, उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, उपयोग में आएंगे नहीं आएंगे, हमारे जनक जो सृष्टि के रचयिता हैं उनके ऊपर अस्त्र का प्रभाव है कि नहीं। तो श्री कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही अस्त्र चला दिया। बंधुओं, जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर अस्त्र चला, अभी काम से पूर्व ब्रह्मा जी ने पुत्री को जन्म दिया था। जैसे ही ब्रह्मा के ऊपर वो अस्त्र चला तो ब्रह्मा के साथ उपस्थित दक्ष आदि प्रजापति भी उस काम के वेग पर आ गए, उस काम के ऊपर आसक्त हो गए। जैसे विचार मानो, कई बार कोई ट्रक आलू का गिरता है, पलट गया,
आप हम लोगों ने देखा आलू का ट्रक गिरा तो लोग लूटपाट करना आरंभ करते हैं, अगल बगल के लोग बोरी उठा ले गए, कोई ज्यादा ले गया, पता चला वहां से फोर व्हीलर से कोई गाड़ी से जा रहा था, उसने देखा तो दो चार किलो वो गाड़ी पे डाल दिया। तो काम ने जैसे ही अस्त्र ब्रह्मा जी के ऊपर चलाया, बंधुओं ब्रह्मा तो मोहित हुए लेकिन मारीच आदि स्वयं दक्ष प्रजापति भी अल्प रूप में काम से ग्रसित हो गए। ब्रह्मा की दृष्टि अपनी पुत्री के ऊपर चल पड़ी और जब पुत्री की तरफ बढ़ी, ब्रह्मा का विचार आया कि मैं पुत्री का आलिंगन कर लूं। ब्रह्मा उस दृष्टि की तरफ जैसे ही बढ़े तो ब्रह्मा के पुत्र का नाम है धर्म। धर्म घबरा गया कि हमारे पिता सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे पिता पुत्र, हमारे पिता रचना करने वाले रचयिता, स्वयं जिनका पुत्र धर्म हो वैसे पिता अधर्म का आचरण करे, और जब मेरे पिता ही अधर्म आचरण कर लेंगे तो हम जहां कहां जाएंगे। जब पिता अधर्मी हो जाएगा तो धर्म फिर किस बात के लिए रहेगा। तो बंधुओं जैसे ही ब्रह्मा जी काम के ऊपर आशक्त हुए तो धर्म घबराया और धर्म घबरा करके भागने लगा भगवान शंकर के पास। धर्म भागा भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर की तरफ दौड़ करके धर्म गया। धर्म जाकर के भगवान शंकर को कहा, प्रभु केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हमारे स्वयं पिता काम के आसक्त हो गए हैं, आप यदि रक्षा न करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बताया और जानते हो बंधुओं, जब भगवान शिव को सारा वृत्तांत बताया तो भगवान शंकर को क्रोध आया कि श्री ब्रह्मा कामग्रस्त हो गए, देवाधिदेव महादेव वहीं प्रकट हो गए जहां ब्रह्मा जी अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। उस सभा पर मारीच आदि दक्ष आदि नारद आदि ब्रह्मा जी के वो दसों पुत्र धर्म सहित भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई, अरे ब्रह्मा तू मूढ़ हो गया है, तेरी मति गति मारी गई है, काम के प्रभाव पर आकर के तू अपनी बेटी की तरफ ही दृष्टि डाल रहा है, ये अधर्म का आचरण ब्रह्मा तू करेगा तो धर्म की रचना कैसे कर पाएगा, धर्म रूपी वेद का ज्ञान प्राप्त करके धर्म की स्थापना कैसे करेगा, अधर्म का व्यवहार धारण करोगे तो सृष्टि की रचना पर केवल अधर्म ही अधर्म का व्यवहार रहेगा। भगवान के प्रकट होते ही मानो काम लुप्त हो गया, काम वहां से अंतर्ध्यान हो गया। श्री ब्रह्मा जी को बहुत प्रकार से भगवान शिव ने डांटा, भगवान शिव लज्जित हो गए, क्षमा करें भगवान ब्रह्मा लज्जित हो गए, अपने ही पुत्रों के सामने मैं ऐसा गलत कर्म कर रहा हूं वो भी अपनी बेटी की तरफ। ब्रह्मा जी को बड़ा लज्जा आई और श्री ब्रह्मा जी उस लज्जा से बचने के लिए मन ही मन विचार करने लगे, भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। एक पल के लिए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा क्रोध में आकर के दक्ष प्रजापति को श्राप दे डाले, अरे मूल तू मेरा पुत्र तो है, मैंने तुझे 5 अस्त्र दिए थे सृष्टि की रचना को बढ़ाने के लिए, तो स्वयं सृष्टि के रचयिता के ऊपर अस्त्र चला करके भरी सभा में मेरा अपमान कर डाला। मूल याद रखना, जिस दिन तेरी दृष्टि भगवान शिव की तरफ पड़ी उस दिन भगवान का नेत्र खुलेगा और तू जल करके भस्म हो जाएगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं बचेगा।